हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माझी ट्यूटोरियल। सो लास्ट वीडियो हम पढ़े वेक्टर्स डेफिनेशन एंड तार टाइप्स विषय में विभिन्न प्रकार वेक्टर्स विषय में पढ़े जब देखना देन डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे से देखनी। सो एवढे पढ़ा गोटे वेक्टर्स डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो यार हेडिंग होची डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। तो फर्स्ट ये डायग्राम को बुझो, एटा होची एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। सो एटा मु खाली खातार तो 3D स्ट्रक्चर देखाई पारबनी, तुम ये इमेजिन करा पड़ो। जदि यही डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो तुम जब यही चैप्टर में क्लियर हो जाइस देन तुमको 3D जियोमेट्री पढ़ाई सबुठू सुविधा हम। से डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो सबुठू बेसी इंपोर्टेंट देके प्रैक्टिस करो, भल से क्लियर हो एंड प्रैक्टिस करो। सो आउ गोटे कथा मन रखी, वेक्टर्स रे फर्स्ट एक्सरसाइज केवल डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो को नहीं अच्छे। से डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन सबुठू इंपोर्टेंट एंड 3D जियोमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो को नहीं पाठ अच्छे। से डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो को सबुठू बेसी इंपोर्टेंट देके प्रैक्टिस करो है। तो ये डायग्राम रे देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड ओ होची ओरिजिन आउ एटा पी होची गोटे पॉइंट इन स्पेस। एटा स्पेस रे अछि तो एटा स्पेस रे बोली मु खातर देखै परबेनी। सो तुमको खाली इमेजिन करबो पड़बो, एटा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आउ जेटा जेड एक्सिस होय देन एटा होची स्पेस रे पी अछि एंड यार कोऑर्डिनेट होची एक्स वाई जेड। मींस एक्स पई एक्स एक्सिस पई होची एक्स एंड वाई एक्सिस पई होची वाई एंड जेड एक्सिस पई होची जेड। तो सही पोजीशन रे अछि पी एंड यार कोऑर्डिनेट हला एक्स वाई जेड। तो कोऑर्डिनेट माने जदि बुझी पारन तबे 10th रे पढिथो स्थानांक बोलिकी। तो स्थानांक माने होची कोऑर्डिनेट, इंग्लिश रे कहले कोऑर्डिनेट एंड ओडिया रे कहले स्थानांक। सो पी पॉइंट रो स्थानांक होची एक्स वाई जेड। सो एटी खाली ताकू वर्ड्स लिखा हिची। लेट्स कंसीडर ए वेक्टर वी वेक्टर, एको गोटे वेक्टर वी वेक्टर नि आइची कंसीडर करबा गोटे वी वेक्टर एंड लेट ओ बी द ओरिजिन व्हिच इज फिक्स्ड एंड पी बी द पॉइंट इन स्पेस व्हिच कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड। तो सेटा हे लिखा हिची। ये गोटे वेक्टर नि आइचे वी वेक्टर हम कंसीडर करें एंड गोटे पॉइंट है पी जार स्थानांक है एक्स वाई जेड एंड ओ होची ये ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। नाउ लेट ए वेक्टर ओ वी वेक्टर व्हिच डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, देयरफॉर ओ वी वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर। तो ये देख आम ये कंसीडर करें वी वेक्टर जो डायरेक्शन रे अछि ओपी वेक्टर डायरेक्शन मते सेम डायरेक्शन रे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर बोल कहे छी। ओपी वेक्टर डायरेक्शन मते अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, तबे वी वेक्टर्स डायरेक्शन जोड़े अछि ओपी वेक्टर डायरेक्शन मते सेम आने अछि। आउ आउ मते कंसीडर कर छी एठी जे ओपी वेक्टर रो मैग्नीट्यूड जेते वी वेक्टर रो मैग्नीट्यूड मते सेते। तो एठी हम बुझे पड़िबो जे यार लेंथ जेते यार लेंथ मते सेते, वी वेक्टर लेंथ जेते ओपी वेक्टर लेंथ मते सेतेगा। सो एठी जदी दुईटा वेक्टर्स रो डायरेक्शन जदि सेम होची एंड सेमनकर मैग्नीट्यूड जदि सेम होची देन से वेक्टर दुटा इक्वल हेबे। आमे लास्ट वीडियो पढिथले इक्वल वेक्टर्स विषय रे जदि दुटा वेक्टर्स रो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जदि सेम अछि देन से वेक्टर माने इक्वल हेबे। तो जेहेतु ए माने सेम डायरेक्शन रे अछंती आ सेमनकर मैग्नीट्यूड मध्ये सेम अछि जेते पई इ दुटा वेक्टर इक्वल हेबे, देयरफॉर लिखाई छी ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर। नाउ आउथरे डायग्राम को देखो, एठी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस दिया आइछि एंड दिस इज ओपी वेक्टर। तबे यही ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस सहित यही एक्सिस सहित ये आल्फा एंगल क्रिएट करुँच एंड वाई एक्सिस सहित ये बीटा एंगल क्रिएट करुँच एंड जेड एक्सिस सहित ये गामा एंगल क्रिएट करुँच। आउ थे कहीदे ध्यान से शुण, ओपी वेक्टर यही ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस सहित आल्फा एंगल एंड वाई एक्सिस सहित बीटा एंगल एंड जेड एक्सिस सहित गामा एंगल क्रिएट करुँच। तो ये कहुई लेट आल्फा बीटा एंड गामा बी द इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर ओपी वेक्टर अलंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो मुझे ही कही थी एक्स एक्सिस सहित अल्फा एंगल, वाई एक्सिस सहित बीटा एंगल एंड जेड एक्सिस सहित गामा एंगल क्रिएट कर तुम डायग्राम में देखिपार्छ। नाउ देन द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ओपी वेक्टर अलंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड इक्वल्स टू कॉस गामा। तो जदि ई ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस सहित अल्फा एंगल, वाई एक्सिस सहित बीटा एंगल एंड जेड एक्सिस सहित जदि गामा एंगल क्रिएट करुँच देन ये ओपी वेक्टर रो डायरेक्शन कोसाइन एलोंग एक्स एक्सिस होबो एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा एंड एलोंग वाई एक्सिस होबो एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एलोंग जेड एक्सिस होबो एन इक्वल्स टू कॉस गामा एठी लिखा है। तो यह सिंपल कहबो ओपी वेक्टर रो डायरेक्शन कोसाइन एलोंग एक्स एक्सिस होची कॉस अल्फा एंड एलोंग वाई एक्सिस होची कॉस बीटा एंड एलोंग जेड एक्सिस होची कॉस गामा। ताको सिंपल लिखा जाए एल एम एन बोलिकी। एल एम एन माने बुझिबो एल होची एलोंग द एक्स एक्सिस एंड एम होची एलोंग वाई एक्सिस एंड एन होची एलोंग जेड एक्सिस। तो हमको सिंपल बुझिबो। सो क्लियरली एक्स इक्वल्स टू ओपी कॉस अल्फा, वाई इक्वल्स टू ओपी कॉस बीटा एंड जेड इक्वल्स टू ओपी कॉस गामा। तो ये ध्यान दियो जदि ये देख डायग्राम रे दिया है मुझे बुझे दूसरी যদি এটা এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই অ্যাক্সিস অ্যান্ড দিস ইজ জেড অ্যাক্সিস হয় তুমি নোটস লিখিবনি এটা। তো এটা যদি পি পয়েন্ট হুয়ে আর এটা ওপি হুয়ে দেন এর স্থানাঙ্ক হেলা কোন এক্স ওয়াই জেড। তবে এক্স ওয়াই জেড স্থানাঙ্ক পাই ওয়াই অ্যাক্সিস পাই ওয়াই एंड जेड एक्सिस पाई ये हम जेड एंड एक्सिस पाई एटा हम एक्स। तेबे वाई एक्सिस पाई देखा ये सब तुम बुझीज जदि वाई एक्सिस गोटे बुझीपर तेज ये देख ये वाई एक्सिस सहित जदि सी बीटा एंगल क्रिएट करुच्छी देन ये देख यहाँ हूँ गोटे रईट एंगल ट्रायंगल है। रईट एंगल ट्रायंगल रे कोस थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच जानछ कोस थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच तेबे कोस थीटा माने ये एंगल क्रिएट करुच्छी बीटा से कोस अल्फा कोस बीटा हम ये तो बी माने हूँ वाई ओनली वाई लिख एंड कहीं यार लेंथ हूँ वाई से ओनली वाई लिख एंड एच माने हूँ ओपी तो ये लिख ओपी। तो कोस बीटा इक्वल्स टू वाई बाय ओपी देन वाई इक्वल्स टू ओपी कोस बीटा हम कि नहीं वाई इक्वल्स टू ओपी कोस बीटा हम ये डिवाइड ये आसे मल्टीप्लाई हम सो वाई इक्वल्स टू ओपी कोस बीटा हम से अच्छे वाई इक्वल्स टू कोस बीटा। तो ठीक से भाई अन्य एक्सेस सहित तुम आइडिया करके बुझीपर मुझे सब एक्सेस सहित बुझे पारे ना ओनली वाई एक्सेस सहित बुझेदेली। तो वाई इक्वल्स टू ओपी कोस बीटा केमती तुम ये बुझीपार एंड एक्स इक्वल्स टू ओपी कोस अल्फा एंड जेड इक्वल्स टू ओपी कोस गामा केमती तुम इजिली बुझीपार जब तुम या भलसे बुझीपार है तो ध्यान से शुण। आज तुम बुझीपारन मोर कथा जब स्पीड हो देन वीडियो तुम बैक करके देख है नाउ जदि x equals to OP cos alpha, y equals to OP cos beta, and z equals to OP cos gamma हुए, then therefore OP square equals to x square plus y square plus z square होगा। पोजिशन वेक्टर विषय तुम पढ़ी क्लास 11th रे, then OP square equals to x square plus y square plus z square होगा। जदि क्लास 11th रे भल से पढ़न देन एटा तुमको बुझे असुविधा होगा। सो जदि x square plus y square plus z square equals to OP square हुए, then एठी x, y and z रो वैल्यू अछि। सो से वैल्यू को आम ये पुट करवा एक्स इक्वल टू ओपी कोस अल्फा माने होची ओपी कोस अल्फार स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माने ओपी कोस बीटार स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर माने ओपी कोस गामार स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू एठी जदि हम सब स्क्वायरिंग कर दबा देन हम ओपी स्क्वायर को हम कॉमन नहीं परबा काहे ना ओपी स्क्वायर सब टर्म रे अछि सेति पय ओपी स्क्वायर हमें कॉमन ले देन रहिला ओपी स्क्वायर इनटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। नाउ एठी देखो एलएचएस एंड आरएचएस रे ओपी स्क्वायर कॉमन अच्छी सो ये आम कैनसल कर कैनसल होन एटा वन हम। नाउ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन। आरएचएस रे अच्छी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा एंड एलएचएस रे अच्छी वन। तो खाली ओल्टा कराई ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन। नाउ ए कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा रा वैल्यू होची एल एम एन तो से वैल्यू हम पुट करबा एठी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो यहाँ जो सबुठ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला या मन रखिथ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन। सो जदि गोटे वेक्टर जदि आम डिरेक्शन कोसाइन स्क्वायर को जब ऐड करवा देन तार रिजल्ट वन ही हम। यहाँ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला या मन रखिथ एंड द डिरेक्शन रेशियस ऑफ द वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप इज एक्स वाई जेड। सो ऑफ ए वेक्टर हूँ गोटे पोजिशन वेक्टर देन तुम पोजिशन वेक्टर पढ़ी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप जदि हुए देन यार डायरेक्शन रेशियो हम एक्स वाई जेड। तो या सिंपल मत रखिथ डायरेक्शन कोसाइन है कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली एंड तार डायरेक्शन रेशियो है एक्स वाई जेड एलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ मतलब समय सिंपल मत रखिथ जदि गोटे वेक्टर हुए ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप देन यार डायरेक्शन रेशियो हम एक्स वाई एंड जेड एंड डायरेक्शन कोसाइन हम एल एम एन दैट इज कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा। ओके नेक्स्ट हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। तेबे गोटे वेक्टर सहित गोटे स्केलर को मल्टीप्लाई कले कौन हम सेटा आम देखा लेट वी वेक्टर बी ए वेक्टर एंड के इज नॉट इक्वल टू जीरो ए स्केलर देन के वी इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बी विथ ए स्केलर के। तो ये बी हूँ गोटे वेक्टर एंड के हूँ गोटे स्केलर तेरे एंड ये के इज नॉट इक्वल टू जीरो के जीरो हो नोसी कन्स्टाट हो पाए देन के इंटू वी ए के वी इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बी विथ स्केलर के। तो यहाँ सिंपल मन रख जेकोसी गोटे स्केलर जदि मल्टीप्लाई हम गोटे वेक्टर सहित देन से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम। सो ये आम कहीपर के वी इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर। नाउ सेकेंड पॉइंट है इफ बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वी इज इक्वल नॉन जीरो वेक्टर यहाँ मैंने लास्ट वीडियो पढ़ी है एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ v is equal to 1 then v is equal to unit vector जदि गोटे वेक्टर मैग्निट्यूड 1 हुए देन ताको यूनिट वेक्टर बोली कहुए तो तुम जानी ताकि सिंपल मन रख। एंड फॉर द वेक्टर वी वेक्टर करस्पोंडिंग यूनिट वेक्टर इज वी कैप इक्वल्स टू वी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्निट्यूड ऑफ वी वेक्टर। तो यहाँ जो सब इंपोर्टेंट फॉर्मूला या मन रखी था एक्सरसाइज सॉल्व कला बेले यूनिट वेक्टर फाइंड कर बोली कहुए गोटे वेक्टर दिखाई आ तार यूनिट वेक्टर बाहर कर बोली कहुए देन से फॉर्मूला एप्लाई हम। दैट इज गोटे वेक्टर जब वी वेक्टर दिखाई एंड तार यूनिट वेक्टर तार करस्पोंडिंग यूनिट वेक्टर बाहर कर बोले सीटा हम वी कैप इक्वल्स टू वी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्निट्यूड ऑफ वी वेक्टर तार मोड बाहर करके वी वेक्टर को डिवाइड करके पड़ो। नाउ आल्सो वी कैन से वी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्निट्यूड ऑफ वी वेक्टर इज एन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। आउरी मध्य हम कहि परबा जे ए वी कैप होची ए वी वेक्टर डायरेक्शन थिबा यूनिट वेक्टर तो हम सिंपल कहि परबा। एंड ए फॉर्मूला सब गोटे इंपोर्टेंट से मन रखी था एक्सरसाइज सॉल्व कला बेले एटा दरकार पड़बा तो या सिंपल मन रखी था वी कैप इक्वल्स टू वी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्निट्यूड ऑफ वी वेक्टर। सो एठी ए वेक्टर रो यूनिट वेक्टर होची ए वेक्टर दैट इज वी कैप। नाउ देखबा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यू एंड वी वेक्टर इज यू प्लस वी वेक्टर। जो दुईटा वेक्टर यू एंड वी हुए देन से एडिशन हम यू प्लस वी सिंपल एटा। आउ ये देख ये डायग्राम को देख यहाँ हूँ गोटे पैरेललोग्राम माने सामांतरिक चित्र तुम ओडिया पढ़ी थो। तो ये देख यू वेक्टर एंड वी वेक्टर दिखाई ये यू वेक्टर एंड वी वेक्टर सेम ऑर्डर अच्छा माने यार डायरेक्शन इयाडे एंड यार डायरेक्शन इयाडे माने गोटे ऑर्डर रे जाइछंती। सो तुम क्लास 11 रे पढ़ी थो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुम क्लास 11 रे पढ़ी थो। तबे दुईटा वेक्टर जदि सेम डायरेक्शन रे हबो एंड तार ई फ्रंट वेक्टर तार अपोजिट वेक्टर जो वेक्टर रहिबो सेटा ये दिजनकर एडिशन हबो। दैट इज ई वेक्टर जदि यू वेक्टर हुए एंड ई वेक्टर जदि वी वेक्टर हुए देन ए वेक्टर हबो यू प्लस वी वेक्टर तुम क्लास 11 रे पढ़ी छो। एंड जदि वी वेक्टर ए डायरेक्शन अछि एंड जदि याको तार रिवर्स करबा देन कोन हबो सेटा माइनस वी वेक्टर हबो। आ सिंपल तुम याको देखो ए माइनस वी वेक्टर एंड यू वेक्टर जदि एठी दुईटा गोटे ऑर्डर रे छंती आ दु जन जब गोटे अर्डर रही देन तार अपोजिट वेक्टर कौन हम जमी ये यू प्लस वी वेक्टर तो ये यू प्लस वी वेक्टर हम किंतु ये तो प्लस ना माइनस अच्छे से डायरेक्ट हम यू माइनस वी वेक्टर। तो ये देख दुईटा वेक्टर जब सेम अर्डर अच्छा यू वेक्टर एंड वी वेक्टर देन से डायगोनाल मानने पैरेललोग्राम डायगोनाल हम यू प्लस वी वेक्टर एंड आउ गोटे हम यू माइनस वी वेक्टर। सो यहाँ हूँ वेक्टर्स डे या पैरेललोग्राम्स लॉ बोली कहुए तो या सिंपल मन रखी एक्सरसाइज सॉल्व कला बेले यार एप्लिकेशन रही। सो यार थ्योरी ये लिखाई फॉर टू वेक्टर्स यू एंड वी वेक्टर व्हाट वी हैव टेकन इन द एबव फिगर देन यू प्लस वी वेक्टर एंड यू माइनस वी वेक्टर आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये डायगोनल्स माने कर्ण यू प्लस वी वेक्टर होची गोटे कर्ण आउ यू माइनस वी होची गोटे कर्ण बा डायगोनल। तबे जदि दुईटा वेक्टर्स को आम गोटे ऑर्डर टेक करिछे बा नहीं छे देन यू प्लस वी वेक्टर एंड यू माइनस वी वेक्टर ये पैरेललोग्राम्स रो डायगोनल हम तो सही ये लिखाई। एंड दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ मतलब मुझे कहीसारी जदि गोटे वेक्टर ए डायरेक्शन रे हुए आ गोटे वेक्टर ए डायरेक्शन रे हुए माने से गोटे ऑर्डर रे थिबे देन तार अपोजिट वेक्टर यू प्लस बी हम एंड यही रूल को कहुए पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो यहाँ हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ तार किसी प्रॉपर्टीज रही वेक्टर एडिशन रो। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव माने क्रम विनिमय नियम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हम या सिंपल मन रखी था वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। एंड वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव माने सहयोगी नियम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मीन्स एठी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को ऐड कला परे सी वेक्टर को ऐड करबा जहा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर को ऐड कला परे ए वेक्टर को ऐड करबा ताहा। तो एटा होचे एसोसिएटिव लॉ। तो एक सिंपल मन रखता वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो ये वीडियो देखिए नेक्स्ट वीडियो पढ़ा एक्सरसाइज रे क्वेश्चन सब सॉल्व करें। सो ये वीडियो जब किसी नॉलेज मिल पार्टी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड मु स्पीड कहूँ कहीं तुम टाइम नथिबो तुम टाइम भी बचाया पड़ो आ तुम पाखे कम समय अच्छे। सो जहाँ भी तुम असुविधा हम वीडियो को बैक कर देख जब बुझा पड़नी एंड जहाँ भी असुविधा होती कमेंट लिख तार सल्यूशन देवाई ट्राई करेंगे। ओके थैंक यू।